पोल के नतीजे सामने आने से पहले दिल्ली में इंडी गठबंधन के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर 2.5 घंटे तक बैठक की और बैठक के बाद खड़गे समेत दिग्गज नेताओं ने यह दावा किया कि इंडी गठबंधन को 295 से ज्यादा सीटें हासिल होंगी। क्या ये आंकड़ा मुमकिन है? देखिए दो हजार 24 लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण की वोटिंग के बीच में दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडिया ब्लॉक के नेताओं के बीच में करीब 2.5 घंटे तक बैठक हुई। 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले खड़गे के घर पर हुई बैठक में सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, एनसीपी नेता शरद पवार शामिल, तो डीएमके से टीआर बालू, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, आपके सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा, सीपीआई से डी राजा, सीपीएम से महासचिव सीताराम येचुरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, जेएमएम से चंपाई सोरेन और कल्पना सोरेन समेत महागठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता शामिल हुए। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बैठक कर किस राज्य से कितनी सीटें मिल सकती हैं इस पर मंथन किया। बैठक के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया के सामने दावा किया कि इंडिया गठबंधन को अब की बार 295 से ज्यादा सीटें हासिल होंगी। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद नेताओं ने एग्जिट पोल का आंकड़ा सामने आने के बाद दावा किया 4 जून को मंगल के दिन मंगल होगा और सभी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। देश की जनता जीत रही है। 295 प्रधानमंत्री का चेहरा कौन लेने वाला है ये तो बाद में हम लोग तय करेंगे, लेकिन हम लोग एकदम जो जनता का जो पोल है, जनता का जो सर्वे है, वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। 295। बैठक में शामिल रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा कि जीत रहा है इंडिया, जीत रही है जनता, जीत का एग्जिट पोल 295 प्लस। भाजपा ने नैरेटिव बनाया 400 के पार, मोदी जी ने नैरेटिव बनाया 400 के पार। आज से लगभग 4-4.5 महीने पहले उस नैरेटिव को लीगलिटी प्रदान करने के लिए, उसको एक वैधानिकता मिल जाए, स्वीकार्यता मिल जाए, लोगों में ये लगे नहीं यार वो एग्जिट पोल भी जो है यही कह रहे थे कि तो कहीं है, तो उसके लिए सब कुछ करवाया गया है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, वहां तक तो प्रधानमंत्री खुद कभी रोजगार के बारे में बोल पाए और महंगाई के बारे में बोल पाए, काला धन के बारे में बोल पाए, किसानों के बारे में कुछ कहा है उन्होंने? चुनाव प्रचार में जो युवा इस देश के अंदर बेरोजगार हो गया, किसान की जो हालत खराब है। उधर इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं की 295 से ज्यादा सीटों पर जीतने के दावे पर बीजेपी नेताओं ने करारा प्रहार किया। एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 के सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। इसे शासन करते हैं, यही गरीबों की चिंता करते हैं, किसानों की चिंता करते हैं, देश को विकसित यही कर रहे हैं और देश को सुरक्षित यही कर रहे हैं। जब ये भाव नीचे तक चला जाता है, महिलाएं उनके साथ खड़ी हो जाती हैं, तो ये आपको संकेत दे रहे हैं। न्यूज स्टेट से लेकर सभी मीडिया चैनल के एग्जिट पोल के नतीजों में मोदी मैजिक से बीजेपी को तीसरी बार प्रचंड जीत मिल रही है, फिर भी कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि तीसरी बार हैट्रिक लगाकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सके। विपक्षी दलों को एग्जिट पोल के नतीजों से ज्यादा देश की जनता पर भरोसा है, जिसके दम पर विपक्ष दावा कर रहा है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आएंगे तो बीते 10 साल से केंद्र की सत्ता से बेदखल कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन को सरकार बनाने लायक बहुमत का आंकड़ा हासिल हो सकता है।